उसके पहले इन लगाना। चलिए अब ये काम हो गया, आपने पढ़ लिया इन और एट। अब पढ़ना है टाइम के लिए ऑन, इसके लिए टाइम के लिए ऑन पढ़ेंगे। थोड़ा सा बोर्ड साफ कर ले उसके बाद पढ़ें। यूज ऑफ ऑन पढ़ेंगे टाइम के सेंस में, यूज ऑफ ऑन पढ़ेंगे किसके सेंस में, टाइम के सेंस में। इसके पहले आपने पढ़ा था वो टेबल वाला और बॉल वाला एग्जांपल, जिसमें आप पढ़े थे कि टेबल के ऊपर बॉल है तो ऑन पढ़ते हैं, ऑन पढ़ते हैं, ऑन लिखते थे। वो पोजिशन का सेंस था, क्या चीज का सेंस था, पोजिशन। और यहाँ सेंस है आपका टाइम का, और टाइम के सेंस में यूज ऑफ एंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑन। और ऑन का यूज इन द सेंस ऑफ टाइम डे और डेट के लिए करते हैं, डे और डेट के लिए। जैसे एग्जांपल मान लिया कि मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन मंडे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, मंडे, बात समझ रहे हैं, आई विल मीट यू ऑन मंडे, ये फ्यूचर हो, इसी को बोले मिला था मैं मंडे को, हा? मिला था, I had met you on Monday. मैंने तुम्हें मंडे को मिला था, मैं तुम्हें मंडे को मिला था, मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगा, मतलब डे दिखाने के लिए, डे का शो करने के लिए, टाइम शो करने के लिए हमें ऑन का यूज करते हैं या करना पड़ता है। अब डेट की बात कर ले तो इसी को बोलते हैं आई विल मीट यू ऑन मंडे की जगह 4 अप्रैल लिख लीजिए, कोई भी डेट डाल लीजिए, कोई भी डेट डाल लीजिए, बात समझ गए, कोई भी डेट डाल लीजिए, यहाँ पे 5 मई डाल लीजिए। डेट शो करना है, और डेट शो करने के लिए कब कभी भी आपको सेंटेंस में डे शो करना है और डेट शो करना है तो ऑन का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? इसके बाद बात करें बच्चों, प्यारे हो तो पढ़ेंगे यूज ऑफ बाई, क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ बाई, बाय को एज अ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाय करेंगे, एज अ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, बाय, यहां पे लिखते हैं क्या, बाय। अब आप पढ़ेंगे यूज ऑफ बाय फॉर द सेंस ऑफ टाइम, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर परफेक्ट टाइम और अ सर्टेन टाइम और अ डेट इन हिंदी। बोलते हैं ना मंडे तक ये काम मुझे करके दो, योर टीचर आल्सो यूज्ड टू से, यूज्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क, 1 घंटे में काम करके दो, ये कल तक काम कैसे भी हो जाना चाहिए। मम्मी डैडी भी, आपके बड़े बुजुर्ग भी, आपके बड़े भाई भी कहते हैं या बड़ी बहन हो वो भी कहती है, यू इडियट यू हैवंट कंप्लीट दिस टास्क टिल नाउ, शाम तक ये काम करके दो या कल तक ये काम करके दो या 5 तारीख तक ये काम करके दो, बात समझ रहे, या मंडे तक ये काम करके दो। तो इस तरह के सेंटेंस में जब तक की बात आती है, किसकी तक की बात आती है, तब बाय करते हैं, और बाय मतलब नॉट जस्ट बिफोर और जस्ट, मतलब आपको कोई काम बोला गया कि आपको 5 o'clock तक कर लेना है, कोई काम बोला गया कि आपको 5 o'clock तक कर लेना है, मतलब यह है एक सर्टेन टाइम, यह है एक परफेक्ट टाइम। अब इसके 1 मिनट बाद भी नहीं जाना चाहिए, वो जो काम आपको दिया गया है वो काम आपको 5 बजे तक कंप्लीट कर ही लेना है, 5 बजे तक करना है, समझ रहे हैं। इसके 1 मिनट पहले कर लीजिए, 1 घंटे पहले कर लीजिए, 1 सेकेंड पहले कर लीजिए, लेकिन आपको कर लेना है, लेकिन 1:05 बजने के बाद आपको 1 सेकेंड भी नहीं मिलेगा, बात समझ रहे हैं, तक 5 बजे तक। यू हैव टू डू योर वर्क ऑन 5 o'clock, सॉरी बाय 5 o'clock, लेकिन ये बाय सेंटेंस लग जाने का मतलब है कि आपको 5 बजे तक काम हर हाल में कर लेना है, कर लेना है, कर लेना है, अगर नहीं करे तो बहुत मुश्किल होना होगा।
लेकिन कभी कभी माय डियर ऑन का भी यूज करते हैं, जैसा आप ऑन का यूज टाइम के लिए पढ़ते हैं, इसी सेंटेंस को हम अगर लिख ले, यू हैव टू डू योर वर्क ऑन 5 o'clock, ऐसे लिख दिया हमने, ये सेंटेंस ऑन 5 o'clock लिख दिया है। तो ऑन 5 o'clock का कहने का मतलब जब सेंटेंस में आ गया है तो इसका मतलब होता है कि आप 5 बजे से 5:15 बजे तक भी कर सकते हैं, 5:30 बजे तक भी कर सकते हैं, 6 बजे तक भी कर सकते हैं, और आपको कोई नहीं रुकेगा, कुछ काम खराब नहीं होगा, ऑन लग गया तब। लेकिन बाय अगर लग गया है तो आपको वो काम हर हाल में कंप्लीट करना है, चाहे उसके लिए आपको जो भी करना पड़े। डिफरेंस समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? हाँ, एक और एग्जाम्पल, डोंट बी लेट, ठीक है, बी हेयर एट 5 o'clock, बी हेयर, यहां 5 बजे आ जाओ, 5 बजे, तो आपको 5 बजे ही आना पड़ेगा, 4 बजे नहीं, 6 बजे नहीं चलेगा वो, बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसे कहेगा बी हेयर ऑन 5 o'clock, तो आप 4 बजे जाएंगे तो भी चलेगा, 5 बजे जाएंगे तो भी चलेगा, 6 बजे जाएंगे तो भी चलेगा, बात समझ रहे हैं डिफरेंस ऑन और बाय में? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, ये आपने चारों पढ़ लिया, इसके आगे बढ़ते हैं, जरा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ एमंग, एमंगस्ट और बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट और बिटवीन, इन तीनों का मतलब होता है बीच में। बीच में मतलब, बीच में समझते हैं, नहीं समझते हम समझाते हैं। अब ये देखिए क्या है, दो पेन, ठीक है, दो पेन, और इस दो पेन के बीच में ये तीसरा पेन आ गया, इसको क्या कहते हैं, बीच में, समझ गए? और इसी बीच वाले को क्वालिफाई करें, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यूज करेंगे आप बिटवीन का, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको, बिटवीन को, और बिटवीन का यूज बता रहे हैं फॉर टू पर्सन और थिंग, जब किसी सेंटेंस में दो व्यक्ति की बात कर रहा हो, दो किसी वस्तु की बात कर रहा हो, दो किसी जानवर की बात कर रहा हो, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में कर ले कि दो किसी नाउन की बात कर रहा है, बस दो ही नाउन की बात कर रहा है तो बिटवीन का यूज करेंगे, और दो से अधिक नाउन की बात करेगा तो एमंग का यूज करेंगे। सॉरी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो नाउन की बात करेगा तो बिटवीन, और दो से ज्यादा का बात करेगा तो, दो से ज्यादा का बात करेगा तो एमंग। अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे हम किसकी, यहाँ पे आप देख रहे हैं टू पर्सन टू थिंग्स की बात करेगा, तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, यू आर सिटिंग बिटवीन योर ब्रदर, योर ब्रदर्स, ठीक है, योर ब्रदर्स। अब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है यू आर सिटिंग बिटवीन योर ब्रदर्स, अब ये जो ब्रदर है इसमें आप अपने भाइयों के बीच में बैठी हैं, आप अपने भाइयों के बीच में बैठी हैं या बैठे, लेकिन यहाँ ये नहीं बता रहा है कि ये आपके दो भाई हैं या फिर दो से ज्यादा है, नहीं बताया जा रहा, तो जब नहीं बताया जा रहा है तो ये दो से ज्यादा हो सकता है, हो सकता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एमंग लगाएंगे, एमंग लगाएंगे, क्लियर है? लेकिन जैसे ये बोल देगा कि दो भाइयों के बीच में बैठ रहे हैं, यू आर सिटिंग बिटवीन योर टू ब्रदर्स, तो अब यहाँ पे बिटवीन लगाएंगे, अगर दो नहीं लिखा है, कोई नंबर नहीं दिया है, और यहाँ पे प्लूरल नंबर है, ब्रदर्स है, तो एमंग लगाएंगे, क्लियर? हम यहाँ पे लिखिए आई एम सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, किसके बीच बैठे हैं, सीता और गीता के, यहाँ पे आप देख लीजिए दो लोग हैं, दो नाउन हैं, और इन दोनों के नाउन के बीच में ये बैठा हुआ है, बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है, ऐसा नहीं समझ में आया कि यहाँ पे आपकी फ्रेंड है, हैं? और यहाँ पे आपकी फ्रेंड है, क्लियर है, और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आकर बैठ गया, हैं? यहाँ बैठे हैं,
आपके दो दोस्त हैं, ये हैं आप और ये आपका दोस्त है, और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आकर बैठ गया तो ये अपने लिए क्या बोलेगा, या फिर आप क्या बोलेंगे, हम दोनों के बीच में ये बैठ गया, दो व्यक्ति के बीच में कोई बैठ गया तो आप उसको बिटवीन यूज करेंगे, द पर्सन दैट इज सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ फ्रेंड। बात समझ रहे हैं कि आई एम किसी फोटो खिंचवा रहे गैलरी में मोबाइल से या कहीं भी, और क्या बोलेगा, हमारे माता पिता के बीच में मैं खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग बिटवीन माई फादर एंड मदर, या आई एम स्टैंडिंग बिटवीन माई पेरेंट्स। क्लियर? लेकिन फैमिली के बीच में अगर खड़े हैं, फैमिली तो एक दो होते नहीं, फैमिली मतलब कम से कम चार पांच लोग, और फैमिली के बीच में जब हम खड़े हैं तो बोलेंगे एमंग, किसी भीड़ में जब हम खड़े हैं तो बोलेंगे एमंग, क्लास में जब हम हैं तो बोलेंगे एमंग। क्लियर? उसको भी और बताते हैं, पहले ये बताइए कि बिटवीन क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलिए, सुन रहे हैं, बोल दिए, वेरी गुड, चलते हैं एमंग की ओर। नाउ आई एम स्टार्टिंग यू टू एक्सप्लेन यूज ऑफ एमंग। एमंग मतलब मोर देन टू पर्सन और थिंग, मतलब दो से ज़्यादा कितना भी हो, दो तीन चार पाँच छः आठ दस बीस लाख बोला करो, दो से कितना भी ज़्यादा हो चलेगा, दो से ज़्यादा जब नाउन की बात करते हैं उन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तब कहते हैं हम यूज ऑफ एमंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि आपके क्लास में कुछ ऐसी क्विज हुई, कोई कॉन्टेस्ट हुआ, और कॉन्टेस्ट होने के बाद आपके क्लास से 10 बच्चे को इनाम देना है, रिवॉर्ड देना है, तब टीचर ने कहा डिस्ट्रीब्यूट द रिवॉर्ड among the students, ये देखिए 10 स्टूडेंट है या 3 स्टूडेंट है, दो होता तो दो का पर्टिकुलर नाम होता, लेकिन दो से ज़्यादा इसलिए स्टूडेंट्स बोल दिया। अब ये स्टूडेंट्स में 40, 50, 100, 200 भी हो सकता है। अब इस स्टूडेंट के बीच में क्या बांटना है, रिवॉर्ड बांटना है, और इसलिए हमने क्या लगाया among, क्योंकि ये जो स्टूडेंट हैं मोर देन टू के लिए एमंग लगाते हैं। क्लियर है? आपके घर में आप चार पांच भाई बहन हैं, है ना, और मम्मी या डैडी कुछ भी बाजार से खरीद कर लाए और बच्चों में बांट दिया, बच्चों के बीच बांट दिया, चार पांच है, तीन भी है तो चलेगा, तो क्या भी कहते, द स्वीट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन, लेकिन दो बच्चे होंगे, पिताजी के दो बच्चे होंगे तो पिताजी जब बच्चों को बांटेंगे तो दो के बीच बांटेंगे, मतलब टॉफी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू चाइल्ड। क्लियर हो रहा है? अब बात आती है एमंग के बाद एमंगस्ट। ये अमंगस्ट क्या है तो मैं बता दूं कि ये दोनों का दोनों सेम है, डिफरेंस कुछ भी नहीं, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है, और बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट भी है इसका। कॉमन सा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो एमंग है इसका यूज कब करते हैं और ये जो एमंग है इसका यूज कब करते हैं। तो आपने बेसिक ग्रामर में पढ़ा होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने होते हैं, नहीं याद है क्या जी, 5, कौन कौन, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे वॉवेल, और वॉवेल के लिए हम यूज करते हैं एमंगस्ट, और बाकी जो 21 कॉन्सोनेंट बच जाते हैं, क्या बचते हैं, कॉन्सोनेंट जो 21 बचते हैं इसके लिए एमंग लगाते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, तो आइए यहां देखते हैं, जिस किसी वर्ड के पहले एमंग या एमंगस्ट लगाना है उस वर्ड के पहले लेटर को देखेंगे, उस वर्ड के पहले लेटर को देखेंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो एमंग लगाएंगे, अगर वो वॉवेल है तो एमंगस्ट लगाएंगे। क्लियर? देखिए यहां आपने एमंग लगाया, इसके बाद वाला जो वर्ड है ये है टी, क्या है, टी, और टी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए एमंग लगाया, इसीलिए एमंग लगाया,
लेकिन यहाँ पे भौवेल होता तो क्या लगाते? एमंगस। बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही है। ये अगर यहाँ पे टी है मतलब कॉन्सोनेंट है तो एमंग लग गया, अगर यहाँ पे ए ई आई ओ यू इन पांचों में से कोई एक भी होता तो क्या लगाते? एमंगस। क्लियर हो रहा है? यस, हो रहा है। यहां तक आपने पढ़ लिया, अच्छे से ऑब्जर्व भी कर लिया, कई बार देखिएगा वीडियो, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और ये आगे तक आपको काम आएगा, इसलिए कई बार देखेंगे, पूरी तरह से समझेंगे, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई विल टीच यू द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।